भी गाड़ी को डीकट मत रहिए। आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये थार के मैंने बनाया था। दिखाने वाला है क्या वेलोट्रॉनिक है भैया के पास अवेलेबल है, और क्या क्या चीज दिया? सिंगल मिल जाएंगे आपको एक्रोबॉबिक के अंदर, एक्रोबॉबिक के अंदर। सब्सक्राइब कीजिए सफर के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कार मॉडिफिकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो एक बार लेके आ चुका हूँ मैं भैया की शॉप के अंदर, और भैया एक बार मुझे दिखाने वाला है क्या वेलोट्रॉनिक है भैया के पास अवेलेबल है और क्या क्या चीज भैया लगाते हैं। तो भैया एक बार आप थोड़ा सा बताओ। जेट टिप्स की बात आपसे करी थी, टिप्स आपके पास जैसे मैं कहता सिंगल मिल जाएंगे आपको एक्रोबॉबिक के अंदर, ये चीज मिल जाएगी सिंगल के अंदर, बहुत स्मार्ट साथी काउन फाइबर के अंदर आती है। इसी के अंदर का डुअल एक्रोबॉबिक बोलो, डुअल मिल जाएगी। इसका टेंट देखो लास्ट में, दिस इज ब्लू टेंट, ब्लू टेंट में आ रहा है। सेम अगर आपको इसमें चाहिए तो आपको ये डिजाइन मिल जाएंगे एक्रोबॉबिक के अंदर, डिजाइन का फर्क है, साउंड दोनों में सेम रहती है। पहले पूरे क्लैंप ऑन सिस्टम होते हैं, इसमें क्लैंप होता है तो वेल्ड नहीं होता इसके अंदर। सेकंड अगर ऐसे आपकी गाड़ी में सीआरजी मैंने वो टिप लगाई थी, उसी में अगर आप बोलोगे तो रेक्टेंगल सिंगल आ जाएगी। बाकी डबल डबल टिप रेफर करता हूँ मैं डीजल के अंदर, थोड़ी सी साउंड बेटर आती है, हल्की सी हो जाती है। एग्जैक्टली सिंगल टिप आपको ये चीज मिल जाएगी। और ऐसे एएमजी की टिप्स है, बहुत रेयर आते हैं भैया मेरे सामने खड़े हैं, उनको दिल है लगाने का, देखने का भी दिखाऊंगा उनको भैया को। मैंने ये एएमजी की टिप आ गई आपकी, ठीक है। एएमजी हमारे भाई ने पीछे लगा भी रखा है एक लेकिन ठीक है एएमजी की आ गई। बाकी आप बोलोगे मेरे पास परफॉर्मेंस फिल्टर्स भी पड़ते हैं। आपको एक और बड़ी चीज दिखाता हूँ, बहुत रेयर है लोगों के पास, कभी रेट ट्राई कीजिएगा, बहुत फर्क दूंगा आपको रेट के अंदर। चीज में इन फैशन आजकल, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बोला कार्बन फॉच। तो ये चीज देख लो एक बार आप, मतलब ये तो मुझे नेक्स्ट लेवल जिसे बोलते हैं ना, वो चीज लगी थी मुझे। और इसमें कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा, जो चीजें रियल में दिख रही है वो चीज थोड़ा सा अगर मैं लाइट में लेके जाऊँ तो शायद यहाँ पे थोड़ा जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ अच्छा है। तो बेसिकली ये चीज है, ठीक है, कार्बन फॉस, दिस इज कॉल्ड कार्बन फॉस, कार्बन फॉस। और इसकी देख लो क्वालिटी देख लो एक बार, एंड हैवीनेस भी बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा। बोला का पेंट है, बोला का कार्बन फॉस है, ये मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप बोलोगे तो मेरे पास बहुत वैरायटीज है, जैसे मेरे पास एयर फिल्टर्स भी आते हैं, इनबॉक्स भी मिल जाएंगे, और उसके साथ आपको क्रॉनिकल भी मिल जाएंगे इनबॉक्स में। जैसे मैंने अभी बेनल को मंगाया था, ये बेनल का 520D का एयर फिल्टर है, दिस इज द इनबॉक्स फिल्टर, ये भी मैं कस्टमर जिनको स्टॉक रिप्लेसमेंट भी कहते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट कहते हैं ये, अगर चलाना ये भी हो जाएगा। और सेकंड बीएमसी का फिल्टर आपको ये आता है, ये क्रॉनिकल फिल्टर, ये क्रॉनिकल फिल्टर मिलते हैं आपको, राउंड होते हैं, इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है इसका कम्पेयर टू देखा जाए तो दिस वन, फ्रेंकली बताऊं आपको मैं। और साथ में आपको मिलने वाले हैं वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट भी, जो कि मैं दिखाता हूं यहां पड़े मेरे पास, दिस इज द वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट। तो ये पूरा का पूरा ना सेटअप आता है, सेटअप आता है, इसके अंदर काफी वैरायटीज है आपको। डुअल टिप जैसे आपको क्लीन क्रोम है, इसके अंदर रेमस लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, स्पिटफायर जो ऊपर उठा था वो चीज मिल जाएगी आपको, सिंगल टिप मिल जाएगा उसके अंदर। बाकी भैया दिखाई देंगे, अभी मैंने शायद अभी मुस्टैंग करी है, उसको सिंगल टिप लगाया वो भी दिखा देंगे आपको। ये होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो भी दिखाता हूं आपको। ये एक्चुअली सी थ्रू होता है, आप देख रहे होगा यहाँ से, आपको पीछे पूरा प्रॉपर लाइट दिखेगी। ये एक बंद है वॉल्व और एक खुला खुला, हाँ जी, जैसे आप उसको कर रहे हैं ओपन कर रहे हो, जैसे कि वहां पे आपको दिख रहा होगा, हाँ जी, एक तरह का सी थ्रू होते हैं ये, स्ट्रेट पाइप होते हैं। दीज आर वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट, जो रेट मैं दे दूंगा आपको फिटिंग करके शायद ही दिल्ली में कोई दे पाएगा, फ्रेंकली बताऊं। बाकी राइवल्स बड़े हैं, देने को दे भी सकते हैं, मतलब वो एक दो दिन की बात है। प्राइसिंग का तो मैं सीधा बताऊंगा कि प्राइस के मामले में मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत लोग ये चीज लगाने के लिए रेडी है, बट उनका जो प्राइस सुन के ना मैं आता नहीं था। तो आज मैं प्रतीक भाई को इसीलिए लेके आया था कि एक बार भैया के पास चलते हैं, रेट लेते हैं। मैंने जब रेट लिया तो सीधा मैंने बोला लगवा लो। तो मेरे जो होते हैं लोग आपको 25-25 हजार का रेट देंगे, मेरे पास जो स्टार्टिंग है वो है 18,000 से लेके मैक्सिमम 21,000 तक है मेरे पास, इससे ऊपर मेरे पास नहीं है। फिटिंग अलग होते हैं, बाकी लोग 25 का रेट देंगे, एक बार रेट जरूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद जरूर काम करवाइएगा। सो भैया ये चमकती हुई चीज है एचकेएस वाली, सो ये क्या है एक बार? दिस इज द एचकेएस पेट्रोल मॉलिक्यूल फिल्टर। इसका काम क्या होता है, जिसकी पेट्रोल कार्स होती है, जो उसके ये मैग्नेटिक है एक्चुअली, तो पाइपिंग जाती है इंजन के अंदर बंद, फ्यूल बंद करने के लिए वहां लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स को होता है उनको कंबाइन करता है, कंबाइन करने से कल जब बर्न होता है उसकी कमर्शन अच्छा मिलता है, उससे पिकअप वर्क बहुत अच्छा होता है। तो बहुत रेयर चीज है, बहुत रेयर लोगों को पता ही लगाते हैं, तो बहुत हैवी बहुत चीप, इतना कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं, अराउंड आपको मिल जाएगी 2,000 से 2,500 की चीज मिल जाएगी। ऐसा नहीं गाड़ी आई तो सब कुछ खोल दो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मिनिमम रेंज के अंदर आपको वो चीज मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करके आओगे। और फॉर श्योरिटी है कि जो आप चीज एक्सपेक्ट करोगे वो चीज आपको 100% दूंगा आपको मैं। बाकी जितने प्रोडक्ट्स मेरे खुद के मेड है आपको बहुत वैल्यू प्राइसिंग मिलने वाला, वो यानी कि बहुत ही आपको जो भी चीज आपको दिखाऊंगा ऐसी आपको एक और चीज दिखा दूं। ये थार के मैंने बनाया अब तक, फिलहाल इसे बनाया नहीं, इसे ऑल स्टेनलेस स्टील
फिर क्लैम्पो सिस्टम है सारा इसके अंदर, थार का, डीजल और पेट्रोल। तो ये नई वाली थार का है या दोनों? नई वाली थार का है, नई वाली पेट्रोल थार के लिए है, और बाकी डीजल का भी मैं समझ लो पूरा क्लैम्पो सिस्टम बड़ा होता है। बेसिकली भाई बिया ने ये चीज बना दी है, बना दिया, मैंने कर भी दिया। एक्चुअली कंपनी इश्यूज कुछ होते हैं कि दिखाना नहीं है सामान रहा, तो मैं वो वीडियो पोस्ट नहीं करता फैमिली बताऊँ। बाकी कुछ भी कुछ चाहिए तो आपको वैल्यू प्राइसिंग बहुत मिलने वाला है। कई लोग फुल सिस्टम मांगते हैं गाड़ी में, तो मेरी पर्सनल जो राय है, बाकी तो कस्टमर पे डिपेंड करता है चॉइसेस उनकी, हम पैसे वो खर्च रहे हैं। कभी भी गाड़ी को डी कट मत कराइएगा, कई लोग बहुत डी कट करते हैं, डी कट करते हैं, डी कट करने से गाड़ी में दिक्कत इंस्टेंट आती है। सेकंड है आपके इंजन की लाइफ होती है वो लिटरली हाफ भी नहीं उससे कम रह जाती है, और गाड़ी में लैग भी आता है अगर आप प्रॉपर सेटअप नहीं बनाते। तो मेरे हिसाब से डी कट कभी मत कराइए, डी कट में नुकसान ही नुकसान है। ठीक है उस टाइम कुछ दिन ठीक रहता है, एक दो महीने, उससे गाड़ी में दिक्कत आएगी आएगी आपको, तो डी कट में कभी प्रेफर नहीं करता। हाँ डी कट के अगर आप बोलते हो पूरा सेटअप मेरे पास तैयार है, डी कट को मैं कर भी दूंगा, कोई कस्टमर कहने पे बहुत, जब कस्टमर बोलता तब करते हैं, वैसे हम डी कट के लिए मैं बिल्कुल रेडी रेडी नहीं हूं। बेसिकली ये चीज जो बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहे ताकि वो चीज जो है ना, जो चीज आपने खरीदी हुई है वो ये अपनी मान के करते हैं कि ये चीज मेरी है, और मैं अगर ये मेरे पास आ जाइए तो कल भी मेरे पास चार गाड़ियां और आए। ठीक है तो अगर किसी को करवानी है जबरदस्ती है तो बिल्कुल करके देंगे, लेकिन मना कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी की लाइफ कम हो रही है, कम हो रही है, और लोगों को नॉलेज नहीं है। लोग डी कट बोलते हैं, उसको ऑटो सेंसर्स भी होते हैं, लोगों को एक्चुअली पता ही डी कट होता है, कई लोगों को पता ही होता है। लोगों ने बस इस चीज को हवा क्या तरह का हवा जैसे बनाया था कि हमने ये चीज कराया, ये चीज कराया, तो बस वो बिना विदाउट एनी नॉलेज बंदा पहुंच जाता है मुझे ये करवाना है, क्योंकि वो देखता है और वही समझ में आता है माइंड क्या है, वो सिर्फ इसमें घुस जाता है ना ये चीज कराना, तो वो करवा लेता है। लेकिन जो चीज भैया बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इस चीज को नहीं कराना चाहिए, एग्जैक्टली। भैया अभी आप मुझे ये चीज बता दो कि अभी जो हमने मस्टांग राइड वाली जो मस्टांग थी हमारी, इसमें हमने क्या क्या चीज लगाया, वेल्वेट्रॉनिक क्या था, कैसे कैसे सेटअप था, क्या चीज था? अब लोग इसमें कई बार फुल सिस्टम मांगते हैं, इसमें आप हमेशा आपको वीडियो देखोगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फुल सिस्टम की, साउंड इतनी लाउड थी, इतनी लाउड थी, मतलब हेयरेबल नहीं थी वो साउंड, तो हमने कुछ नहीं किया। लोग इसमें कई लोग इसे पाइपिंग भी चेंज करते हैं, क्योंकि तो पाइपिंग जो इसकी इसकी आती पाइपिंग 2.50 और 2.50 से ऊपर पाइपिंग क्या डालोगे आप उस टैंक के अंदर, तो हमने पाइप कंपनी की वही रहने दी है, सिर्फ उसका रेजोनेटर रिमूव किया, और जो रेजोनेटर का लेंथ थी उतने पाइप डाला, स्टेपर डाला, और लास्ट में हमने रेमस के वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट डाले। रेमस हो, बोला हो, कुछ भी हो, फैमिली गाइस सब सेम होता है, अंदर की मेकिंग सेम होती है, सिर्फ स्टैम का फर्क है, बाकी साउंड सब में सेम रहने वाली है। अब से सिंगल डबल डालाओ, उसमें मैंने रिमस का एग्जॉस्ट डाला लेफ्ट राइट 12-7 उसके अंदर, सबने एकरा की कार्बन फाइबर टिप डाली है ताकि बंपर ना काटना पड़े, इसलिए डुअल टिप कस्टमर ने प्रेफर नहीं किया। बाकी वीडियो आपके पास है ये चीज, तो बेसिकली इसका जो प्राइसिंग रहता है वो कहाँ तक पहुंच गया था? प्राइसिंग अगर आप बात करते हो, ये इतना का इतना प्रोसेस भी कराते हो गाड़ी के अंदर, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आने वाला है 55,000 रुपीज के करीब। हाँ जी बिल्कुल, सिंगल डिप के साथ। ठीक है, तो बेसिकली भैया के पास जो चीजें अवेलेबल है ये मस्टांग तक, मतलब कोई भी गाड़ी आप लेके आओ, BMW लाओ, ऑडी लाओ, जिसमें भी आपको साउंड चाहिए, भैया ये चीज करके देने वाले हैं।